नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा बिहार भाई और बहनों, बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और इसी तरह की और भी बड़ी खबरें, सच्ची खबरों के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। जी हाँ दोस्तों, आते हैं आज की अगली खबर पर। बिहार सरकार बिल्कुल एक योद्धा की तरह लड़ रही है और धीरे धीरे सुधार भी ला रही है। इससे सरकार की हिम्मत और साहस और बढ़ रही है। मगर इसी बीच गया को रेड जोन में शामिल कर दिया गया है, जिससे बिहार सरकार बहुत ही नाराज हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान संजीव कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि गया में कुल 6 मरीज थे, जिनमें से 5 वो ठीक हो चुके हैं। इसके लिए अगर रेड जोन में शामिल कर दिया गया है, जिससे बिहार सरकार काफी नाराज हो चुकी है। चलिए चलते हैं अगली खबर पे। इस बीच बिहार विधान परिषद के 17 सदस्यों का कार्यकाल का समाप्ति हो चुका है। कोरोना लॉकडाउन के कारण चुनाव की स्थिति स्थगित कर दी गई है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के कारण बिहार विधान परिषद का चुनाव स्थगित होने से परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद, मंत्री अशोक चौधरी एवं नीरज कुमार तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा समेत 17 सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हो गया। चुनाव आयोग ने 3 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए विधान परिषद के शिक्षक, स्नातक और विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को तत्काल स्थगित कर दिया था। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 सीटों पर चुनाव होना था। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र के 9 सीटों के लिए भी चुनाव कराया जाना था। आयोग ने लॉकडाउन की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था। आयोग के इस निर्णय के कारण ही इन 17 दिग्गजों का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है। आयोग समीक्षा के बाद फिर नए सिरे से चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगा। में कोरोना वायरस से अब तक 2,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 38,21,000 लोग अभी भी संक्रमित हैं, जबकि 12,99,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा मौत ब्रिटेन में हुई है, जहाँ आंकड़ा 30,000 के पार जा चुकी है। आप वीडियो में देख भी सकते हैं कौन सा देश कितना प्रभावित है कोरोना वायरस से। चलिए चलते हैं अगली खबर पर। एक खबर आ रही है, जिस प्रकार से कोटा से विद्यार्थियों को लाया गया, ठीक उसी प्रकार बिहार की राजधानी पटना में फंसे हुए बिहार के अन्य जिलों के छात्रों की भी होगी घर वापसी। डीएम ने इसके निर्देश दिए हैं। दरअसल कोरोना महामारी को लेकर जारी देशव्यापी लॉकडाउन में बिहार से बाहर रहे मजदूरों और छात्रों की वापसी तो शुरू हो गई है, लेकिन पटना समेत बिहार के ही अन्य शहरों में दूसरे जिलों के लोग भी अभी भी फंसे हैं। लॉकडाउन में कोटा में फंसे हुए छात्रों पर हुई राजनीति के बाद छात्रों की वापसी होने लगी है। इसके बाद पटना में भी प्रशासन की नींद आखिरकार खुल गई है। पटना में फंसे बिहार के कई जिलों के छात्रों को भी अब जिला प्रशासन ने घर भेजने का फैसला लिया है। तो चलिए चलते हैं अगली खबर पर। 362 डॉक्टरों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। कोरोना संकट में भी ये लोग ड्यूटी से गायब पाए गए थे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंध कानून के तहत सभी डॉक्टरों की छुट्टियां 31 मई तक रद्द कर दी थी। इसके बावजूद इतने डॉक्टर ड्यूटी से गायब पाए गए थे। आइए दोस्तों, आते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर पर। गया में अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों को दिन दहाड़े मारी गोली, एक शख्स की मौके पर ही मौत। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। पूरा मामला, बिहार के गया में खूनी संघर्ष में बुधवार को एक साथ 4 लोगों को गोली मार दी गई। गोलीबारी की ये घटना जिले के कोच थाना क्षेत्र के सिंधुवाड़ी गाँव की है, जहाँ पुराने विवाद को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। चलिए चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा से आ रही है। हरियाणा से बिहार के लिए पहली स्पेशल ट्रेन रवाना हो चुकी है और 7 व 8 मई को वो बिहार पहुंच जाएगी। दरअसल कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच हरियाणा से अन्य राज्यों के श्रमिकों के लिए 6 विशेष स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली स्पेशल ट्रेन आज बिहार के लिए हिसार से रवाना हुई है। यह ट्रेन 1200 यात्रियों को लेकर बिहार के कटिहार के लिए रवाना हुई है। इसके बाद 7 और 8 मई को 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रवाना की जाएंगी। 7 मई को 3 और 8 मई को 2 ट्रेनों का रवाना किया जाएगा। दूसरे राज्यों में कामगारों को मंगलवार को गृह क्षेत्र के लिए रवाना करने का शेड्यूल एन वक्त पर बदल दिया गया था। ऐसा बिहार सरकार से समय पर एनओसी न मिलने के कारण किया गया था। अलग अलग दिनों में बिहार सरकार से मिली एनओसी के कारण अब 6 स्पेशल ट्रेनें 3 अलग अलग दिनों में रवाना होंगी।